सबसे पहले मैं आपसे ही यह जानना चाहूंगा कि आप एसी दिन में कितने घंटे चलाते हैं, दूसरी बात कि आप एसी की सर्विस कितने वक्त के बाद, कितने महीनों के बाद करते हैं, और तीसरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, वीडियो को ध्यान से देखें और वीडियो को जो है वो शेयर भी करें। आपका एसी ब्लास्ट हो सकता है, आपका एसी जल के राख हो सकता है, आपका एसी आपको परेशानी में डाल सकता है। ये स्प्लिट एसी का आउटर यूनिट है, डायरेक्ट इस पे धूप पड़ रही है। अगर आपका एसी अभी तक इसी तरह का है, जो आपका स्प्लिट एसी है, आपके घर में स्प्लिट एसी लगा है, उसका जो आउटडोर यूनिट है आप देख रहे हैं, इस पे कोई किसी तरह का जो कवर है वो नहीं लगाया गया है, तो आप मेहरबानी करके एक काम करिए, आपका जो स्प्लिट एसी है उसका जो आउटडोर यूनिट है उस पे शेड लगा दीजिए, क्योंकि आप शेड लगाएंगे, शेड लगाने के बाद आपका जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर में लगभग 5 से 6 डिग्री तापमान में गिरावट आएगी। अब आपका एसी जल के राख किस तरह से होगा, जिस तरह से मैंने पहले ही आपको बताया, आप दिन में 10 घंटे एसी इस्तेमाल करते हैं और 600 घंटे आप इस्तेमाल करते हैं, 600 घंटे के बाद आपको सर्विस हर हाल में अपनी एसी की करनी है। आप दिन में 10 घंटे एसी चलाते हैं, महीने में आप 300 घंटे एसी चलाते हैं और 2 महीने में आप 600 घंटे एसी चलाते हैं, यानी कि आपको 2 महीने के बाद अपने एसी की सर्विस करनी ही करनी है। अमूमन तौर पर यह देखा जाता है, गर्मियां खत्म हो गई, गर्मियां खत्म होने के बाद जब अगली गर्मियां होती हैं, सर्दियां खत्म होती हैं, उसके बाद जब गर्मियां शुरू होती हैं तो उस वक्त लोग जो है वो अपनी एसी की सर्विस करते हैं, मगर ऐसा नहीं करिए। इसलिए ये सारी मैं चीजें बता रहा हूं और ये खबर इसलिए मैं आज कर रहा हूं क्योंकि तापमान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आप अपने एसी की सर्विस 2 महीने के बाद कीजिए। अगर आप 47, 46, 45 टेम्परेचर में रहते हैं तो एसी को आप पानी के छिड़काव से भी कंप्रेसर को ठंडा कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपका एसी टर्बो मोड पे चलता है तो आप 10 से 15 मिनट अपने एसी को नॉर्मल मोड पे भी रखिए, उससे आपका कंप्रेसर जो है वो ठंडा हो सकता है, थोड़ा सा 4 से 5 डिग्री जो है वो उसमें गिरावट हो सकती है। अगर लगातार आपका एसी 2 घंटे चलता है तो 5 से 10, 10 से 20 मिनट आप एसी को रेस्ट भी दें, क्योंकि इससे जो है वो आपके कंप्रेसर में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगी और आपका एसी जो है वो आराम से काम करना शुरू करेगा। मगर जो चीजें मैंने आपको बताई ये ध्यान से आपको सुननी पड़ेंगी, और ये ध्यान से जो है वो आपको सुननी पड़ेंगी। ये एसी का आउटर यूनिट है, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि इसको डायरेक्ट धूप पड़ रही है और धूप के पड़ने के बाद जो है वो इसका जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर में किसी तरह की कोई तापमान में गिरावट नहीं देखने को मिलेगी, धूप की वजह से तापमान में जो है वो ज्यादती देखने को मिलेगी, इसलिए इसको कवर करके रखें। कवर करने के बाद आपका जो तापमान है लगभग 4 से 5 डिग्री जो है वो कम हो सकता है। और जिस वक्त आप एसी लेते हैं वहां भी आप इन चीजों की जानकारी ले सकते हैं, और जो एमसीबी आपकी होती है वो ओरिजिनल होनी चाहिए, जो प्लग होता है वो ओरिजिनल होना चाहिए, क्योंकि आने वाले वक्त में किसी तरह की कोई परेशानी जो है वो आपके घर में ना हो, इसलिए ये सारी चीजें जो है वो देखभाल के करनी है।